हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज जो आपका चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। आपको इसकी वीडियो नहीं मिली थी तो आज इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरह से रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, मीन्स उसका विकास करना है, मीन्स गाँव का विकास, ठीक है। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट रेफर टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्ट टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। मीन्स अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो वो हमें कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव मीन्स सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस को, दोनों को मिला जुला कर हम कुछ प्रोसेस को ईजीली अपना रूरल एरिया डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ मीन्स जितनी भी हमारी रूरल लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। किस तरीके से? सोशल एरिया से, सोशल बेस पर भी और इकोनॉमिक बेस पर भी, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट रेफर करता है कि कॉन्टीन्यूअस एंड कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब होता है मिला जुला कर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना है दोनों को कि हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, उन दोनों की प्रोसेस को देखते हुए इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, कि रूरल लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें। अब सोशल, जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा करना, भाई रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी रूरल लाइफ इम्प्रूव होती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर दोनों को देखना है, सोसाइटी को भी और रूरल इकोनॉमी को भी, कि जिस तरह से उनकी स्पीड, उनका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा, उसी तरह से हमारा रूरल डेवलपमेंट भी अच्छा होता चल जाएगा और रूरल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कुछ प्रोसेस बताए हैं रूरल डेवलपमेंट के। देखिए, रूरल डेवलपमेंट एम्स टू कॉम्प्रहेंसिव चेंज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट। भाई रूरल डेवलपमेंट अगर करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव चेंज, हमें कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपने रूरल लाइफ में, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। रूरल लाइफ को अगर इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो हमारा रूरल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता चला जाता है, ठीक है। जैसे आजकल गांव में भी बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन मिलती है ना। तो जब एजुकेटेड होंगे लोग, तो एजुकेटेड होने के साथ साथ हमारा रूरल एरिया भी क्या होता चल जाएगा, डेवलप होता चलेगा। जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा एरिया डेवलप होता चला जाएगा, क्लियर है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारा जितना भी एरिया डेवलप, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मीन्स हम लोग जितने ज़्यादा अच्छे से एजुकेटेड होंगे, अच्छे से हमें पता चलेगा कि किस किस तरह से हमारे रिसोर्सेज हैं, उनमें हम अपना डेवलप करते चले जाएंगे, तो हमारा जो रूरल एरिया है वो कैसा होता चला जाएगा, डेवलप होता चला जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलप होता चल जाएगा उतना ज़्यादा ही रूरल एरिया डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारिक संरचना, मीन्स हम किसी भी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर ले सकते हैं। जैसे गाँव में बहुत सारे बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अगर ये चीज़ें बनती चली जाएंगी, यानी कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर करते चले जाएंगे तो हमारा रूरल एरिया डेवलपमेंट होता चला जाएगा। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है, थर्ड पर आते हैं, कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो लैंड है, उसमें कुछ सुधार करना, उसमें कुछ रिफॉर्म करना, क्लियर है। एलिवेशंस ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है। और एलिवेशन का मतलब होता है दोषारोपण, मींस गरीबी को दूर करना। भाई जितने भी गरीबी के दोष हैं, जितने भी हमें, अगर हम अपना रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तो वो हमारी एलिवेशंस हो जाएगी, पॉवर्टी भी हमारी दूर हो जाएगी, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब है कि जितना भी ज़्यादा हमारा रूरल एरिया में प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी की जाती है, उसमें हम थोड़ा चेंज ले आए, है ना। क्योंकि रूरल एरिया में तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, भाई जितनी भी सारी खेती होती है फूड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारी कहाँ पर होती है, रूरल एरिया में होती है। बाहर तो इसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज बढ़ती चली जाएंगी, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा होता चला जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके कुछ प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे। नेक्स्ट पर आते हैं सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट मीन्स कि हमारी
किस तरह से हमें रूरल क्रेडिट सोर्सेज दी जाती हैं। विद ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, बाई रूरल एरिया को कुछ ना कुछ हम क्रेडिट बेस पर भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट दी जाती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट दिए जाते हैं कि हमारी रिसेंटली कुछ ना कुछ रूरल एरिया में क्या होता है कि बैंक से हमें उधार मिल गया, हमें हमारी ज़मीन को हमने किसी से क्रेडिट उधार पे ले लिया, पट्टे पर ले लिया जिसको हम बोलते थे, है ना, कि कुछ अमाउंट के लिए हमने उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने ले लिया कि हमें एग्रीकल्चर करनी है और उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, कुछ ईयर्स के लिए हम उसको ले लेते हैं और हम उससे एग्रीकल्चर क्रेडिट बेस पर लेते हैं और वो हम इंक्रीज्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कहता है कि मॉडर्नाइजेशन होता है, हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये टू टाइप्स से होती है हमारी, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, मतलब ये ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं और एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये कहाँ पर, इंडिया में। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमारे क्या क्या आते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या होता है भाई, कुछ फार्मर क्या होते हैं वो, उनके पास बहुत ज़्यादा हाई पर पैसा होता है और वो आपका वन थर्ड पैसा आपका रख लेते हैं, मीन्स वो एक एग्रीकल्चर क्रेडिट देते हैं। जैसे हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मर को भी कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल में आता है, किसी संस्था से नहीं ले रहा, वो किसी अपने ही दूसरे रिश्तेदार से या किसी मनी लेंडर होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो वन थर्ड अपना ब्याज पर सिक्योरिटी पर दे देते हैं, तो वो हमारे मनी लेंडर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या आता है भाई, रिलेटिव की हमारे किसी रिश्तेदार के पास बहुत पैसा है और हमने उससे कुछ टाइम के लिए उधार ले लिया, ठीक है। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, ऐसे ही हमारे पहले भी क्या होते थे कि कुछ ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट होते थे जो मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट दिलवा दिया करते थे कि अगर तुम्हारी इतनी ज़मीन है तो तुम्हें इतने पर इतना पैसा मिल सकता है, ठीक है, तो उनको ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट बोलते थे। रिच लैंडलॉर्ड, भाई कुछ रिच लैंडलॉर्ड भी होते थे कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी तो वो भी अपनी ज़मीन को या पैसे को दे दिया करते थे। तो ये सब हमारे किसके सोर्सेज हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल के सोर्सेज हैं, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल, इंपॉर्टेंट भी है और कुछ बैंक से रिलेटेड है, आपकी इजीली समझ में भी आ जाएगा। अ मेजर चेंज ऑक्यूराइड आफ्टर 1969 व्हेन इंडिया अडॉप्ट द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच थ्रू वेरियस एजेंसी, कि कुछ हमारी वेरियस एजेंसी होती हैं, कुछ अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ इंडिया ने अडॉप्ट किए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल जो हमें क्रेडिट पे करते हैं वो कुछ एजेंसी भी हो सकती हैं, कुछ बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर, तो कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है कॉरपोरेटिव बैंक। कॉरपोरेटिव बैंक क्या होता है, कॉरपोरेटिव क्रेडिट का मतलब होता है कि जल्द से पैसा क्रेडिट किया दे दिया जाता था बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कंडीशंस के, है ना। तो कॉरपोरेटिव क्रेडिट आता था कि भाई अगर किसी को पैसा चाहिए तो एक एक संस्था थी जो उधार दे देती थी बिना किसी रीज़न के, ठीक है, कि इजीली पैसा मिल जाता था कॉरपोरेटिव से, ठीक है। फिर आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। कुछ बैंक बनाए गए थे जो डेवलप्ड थे और उनसे भी हमारा क्या था, एग्रीकल्चर, अगर कोई भी फार्मर जाता है तो उसको इजीली लैंड बेसिस पर वो क्रेडिट दे दिया करते थे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक में जैसे हमारे कुछ बैंक हैं और इसमें सबसे पहले SBI का, तो SBI ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसका मेन मकसद क्या था कि वो रूरल क्रेडिट को फोकस करे, मींस जैसे हमारे कुछ बैंक होते हैं भाई कि अगर कॉरपोरेटिव क्रेडिट दे रहा है तो बैंक क्यों नहीं दे सकता, है ना। तो रूरल क्रेडिट पर फोकस करना था कि भाई कॉरपोरेटिव क्रेडिट से काम नहीं चलेगा, इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले निभाई थी वो रोल था किसका, SBI का रोल था, कि बहुत सारे और भी बैंक इसमें इंक्लूड होते चले गए,
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक वो होते हैं, ऐसे बैंक होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब रीजनल एरिया पर बनाए गए हैं और उनका फोकस था कि जो सबसे वीकर सेक्शन होता है उसकी नीड को कंप्लीट करना। मीन्स किसी के पास अगर ज़मीन है, लैंड है और उसके पास अमाउंट नहीं है, तो जो भी हमारा सबसे वीकर सेक्शन होगा उसको सबसे पहले ये उसकी नीड को कंप्लीट करेगा, उसको ये क्रेडिट देगा। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं और ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा हमारे रीजनल एरिया पर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो नाबार्ड का सबसे पहले जो इसके तीन वर्क होते हैं, फर्स्ट की पॉलिसी, ठीक है, प्लानिंग और ऑपरेट करना। फर्स्ट कि भाई नाबार्ड का जो काम है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करना है और नेशनल एरिया पे करना है, कि भाई पॉलिसी बनानी है, किस पॉलिसी को किस तरह से काम करना है, ये सब वर्क किसका है, नाबार्ड का, ठीक है। फिर प्लानिंग कि कहाँ पर कितने परसेंट कितने एरिया में किस तरह से करना है, ये प्लानिंग भी इसकी है। ऑपरेट, ऑपरेट का मीन्स होता है कि इसको सारा एक ऑब्जर्वेशन करना कि काम को कैसे चल रहा है, क्या किया जा रहा है और क्या नहीं। तो ये क्या होता है, एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है। मीन्स इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ये सुप्रीम बॉडी के रूप में ये वर्क करता है। कौन? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं। और ये नाबार्ड का आपका वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, क्लियर है। तो नाबार्ड के तीन वर्क हैं, पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केट सिस्टम की। भाई देखो, अब पहले तो मार्केट सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब मार्केट सिस्टम होने लगा। तो रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस बट ऑल्सो एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर गुड्स। कि भाई पहले रूरल एरिया में सिर्फ ये नहीं था कि हमने प्रॉब्लम को फेस कर लिया फाइनेंस की, लेकिन अब क्या होने लगा है कि हमारे सामने गुड्स से रिलेटेड भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। कहाँ पर? एग्रीकल्चर मार्केट में, ठीक है। भाई किसी के पास किसी बहुत अच्छी फसल है और किसी के पास इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उन सब के लिए तो गुड्स होगा ना, तो उसकी अगर मार्केटिंग नहीं हो पाएगी सही से, तो उनके लिए क्या होगी, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उन्हें, क्लियर है बात। एग्रीकल्चर, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर मार्केट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्राइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ना ग्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब हमारी कॉमोडिटी को हम क्या करते हैं, कंट्री से रिलेट करते हैं कि अगर हम इस इनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, हमें प्रोसेस करना है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, तो दैट इज़ बी एग्रीकल्चर मार्केट, क्लियर है बात। नेक्स्ट पर आते हैं मेज़र। कुछ एग्रीकल्चर मार्केट के मेज़र बताए गए हैं, वो कौन कौन से। फर्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट, कि भाई हमारे साथ में जितनी भी मार्केट है वो कौन सी मार्केट हो सकती है, रेगुलेटेड मार्केट होती है और हमें उन मार्केट के थ्रू भी अपना वर्क करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मीन्स हमारी जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ आधारिक संरचना करनी होती है, हमें कुछ ना कुछ डेवलप करना होता है, कुछ ना कुछ बनाना होता है, और जहाँ पर हम बना रहे हैं, अगर हमारे रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो वहाँ पर हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। कॉरपोरेटिव मार्केटिंग, हमें इतनी सारी बैंक, कॉरपोरेटिव क्रेडिट, ये सब चीज़ें मिली हैं, तो ये सब चीज़ें हम अपनी मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें अलग अलग तरह से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट किए गए हैं। जैसे जितनी भी पॉलिसीज़ हमने, जैसे नाबार्ड हो गया और आपकी ये सारी पॉलिसीज, जितने बैंक हैं, SBI हो गया, कॉरपोरेटिव फील्ड से जितने भी रिलेटेड हमारे बैंक हैं, वो सारे बैंक डिफरेंट वे में आते हैं और अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनकी यूजेस किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितने भी हमारे प्राइस होते हैं, कि भाई हमारा जो लेवल है, हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो गुड्स है, वो सारा हमें उसको क्या रखना है, MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमें रखना होता है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक,
मीन्स जितना भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था उसको हम मेंटेनेंस करके रखें, उसको एक अच्छे से करके रखें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जितना भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या पब्लिक में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में रखें कि हमारा कितना स्टॉक है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमें स्टॉक में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको हम आईटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आईटी रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस टू रिट्राइव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। कि भाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी जो रेफर करती है वो इंजीनियरिंग फील्ड से रेफर करती है, इंजीनियरिंग में डील करती है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेट किया जाता है और ट्रांसमिट टू इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देती है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा आईटी फील्ड का यूज़ किया जा रहा है। भाई स्मार्टफोन सभी के पास है, कंप्यूटर से सभी के पास है, रूरल एरिया में भी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो जितना ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा उतना ज़्यादा ही आईटी का यूज़ किया जाएगा। अब बात करें अगर हम रूरल एरिया में, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हमारे पास मशीनें नहीं होती थी। अब जितनी भी एग्रीकल्चर हम करते हैं उनके लिए हमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है और हमारे पास एक से एक मशीन होती है। जितना काम एक पर्सन हाथ से करता था उतना काम मशीन अब बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में इजीली कर सकती है। तो ये किस फील्ड पर हो रहा है? आईटी फील्ड पर हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोलेंट्राइज मैनी सेक्टर इन द इंडियन इकनॉमी। तो भाई जो आईटी है वो बहुत सारे सेक्टर्स में अपनी इकनॉमी के साथ में ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और आज के टाइम में बहुत सारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी का ही यूज़ किया जा रहा है। विदाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। आजकल आपकी स्टडी जो ऑनलाइन हो रही है ये भी तो आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। क्लियर है बात? तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। क्लियर है? थैंक यू।